नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। झांसी शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर कई पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया गया। उपस्थितों को संबोधित करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के बजाय लगातार बढ़ाती जा रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। किसान डीजल की कीमत से बदहाल हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करें। धरने का संचालन जितेंद्र भदौरिया ने किया तथा आभार अरविंद बबलू सभासद ने माना। इस अवसर पर राहुल रिछाड़िया, राजेंद्र शर्मा, एडवोकेट चंद्रशेखर तिवारी, इम्तियाज हुसैन, मुन्नी देवी अहिरवार, डॉक्टर विजय भारद्वाज, ज्ञानेंद्र तिवारी, हरवंशलाल भरत राय, घनश्याम प्रजापति, अजय मिश्रा, सुरेश भार्गव, संजय बबेले, युवराज सिंह यादव, अंकुर मिश्रा, अनिल रिछाड़िया, आकाश पाराशर, सफीक अहमद, मुन्ना दुलीचंद कुशवाहा, नफीस मकरानी, देवी सिंह कुशवाहा, गिरजा शंकर राय, मजहर अली, अनवर अली, सचिन श्रीवास्तव, हैदर अली, मनीष रैखवार, आर के अमरिया, आकाश गौतम, सुमित दांगी, राहुल जादौन, शेखर नलवंशी आदि उपस्थित रहे। देखिए, हम लोग आज बढ़ती हुई जो पेट्रोल की कीमतें हैं, सुरक्षा के सामान बढ़ रही हैं और उसको लेकर हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता के जेब पर भारी पड़ती है। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत है। आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर एक मोदी और योगी पेट्रोल की कीमत का लुहावना सपना देकर सत्ता में बैठे। उन्होंने कहा था कि 35 रुपये पेट्रोल बिकेगा, डीजल बिकेगा, लेकिन देखने को बिल्कुल विपरीत पड़ रहा है। उनके जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कहते थे कि महंगाई जायन है। मैं कहता हूँ कि महंगाई जायन थी तो उसको कांग्रेस पिंजरे में बंद करे थी और उसको नियंत्रण करे थी। आज जब से आप सत्ता में बैठे, वो जायन पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को महंगाई के रूप में खा रही है। बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी योगी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएँ। हमारे साथ मुख्यमंत्री जैन आदित्य जी, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी, हमारे राजेंद्र शर्मा जी, राहुल जारिया जी, युवराज भाई, अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन जी, जितिन भदौरिया जी, मुन्नी अहिरवारी, तमाम लोग आज हमारे संग, सभी मुन्ना जी, बबलू सभासद जी, तमाम लोग, भरत राय जी, तमाम लोग हम लोग आज बैठ कर यहाँ मोदी सरकार और योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, यदि आपने दाम न किए तो हम लोगों का आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। खबर समय जगत के लिए झांसी से दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।